बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना मोहम्मद व आलिहि वसल्लम। ये मेरा नन्ना पार्टिसिपेंट है मेरे ग्रुप का, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा साइंस के हवाले से इंफॉर्मेशन मिली और मुझे बड़ी खुशी है, बल्कि मैं अपने लिए बड़ा एजाज़ समझ रहा हूँ कि मैं अंस के पास बैठा हूँ। अंस के साथ मैंने वक्त भी गुजारा और मेरा बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा। ये हुंजा की जो वैली आप देख रहे हैं, इस वक्त पीछे पहाड़ जो है वो बिल्कुल छुपे हुए हैं बादलों में। और अंस से मैं पूछता हूँ, ये छठी क्लास में ये पढ़ते हैं, और मैं अंस से पूछता हूँ कि इनका हमारे साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि इनका एज ग्रुप में इनके एक कज़न थे सिर्फ, बाकी जो 30-24 पार्टिसिपेंट्स थे वो इनसे एज में बड़े थे। तो मैं अंस से पूछता हूँ कि अंस का आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा। अस्सलाम वालेकुम अंस। वालेकुम सलाम। अंस, आपका हुंजा आने का हमारे साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? वैसे ही था जैसे मुझे ब्रेक थी। अच्छा। यहाँ का नज़ारा अच्छा था काफी। और बड़े मुझे पता था छोटे ना हो तो बड़े भी मेरे दोस्त बन जैसे। हाँ ठीक है, तो वो ही हुआ। तो ये तो जो बड़े जो लोग हैं, जो इनसे ही दोस्तियाँ करनी बड़ी मुश्किल होती है। आप तो बड़े छोटी उम्र में 6th क्लास में ये बड़े लोगों के साथ कैसे गपशप लगा लेते हैं और कैसे दोस्तियां कर लेते हैं? मेरे 3 क्लासों के बच्चे मेरे एज के हैं। अच्छा। उनसे मैं अपने स्कूल में दोस्ती कर चुका हूँ। अच्छा, दोस्ती कर चुके हैं आप। कुछ बच्चे टीनएजर्स भी है, उनसे भी किया हुआ है। ठीक है। और कुछ बच्चे जो है ना वो 10th क्लास के हैं, जो कि जाने वाले मैट्रिक के लिए। ठीक है। अच्छा, आपको अब ये 5 दिनों में, जब हमारा आखिरी दिन है, यहाँ हुंजा से हम वापस जा रहे हैं, ये हुंजा में आपको सबसे बेहतर जो है एक्टिविटी क्या लगी, जिसने बहुत इंजॉय आपको किया? ट्रैवलिंग में क्या चीज, कोई खास बात का आप जिक्र करना चाहेंगे जो आपके दिल के बहुत करीब है? यहाँ पर मैंने जो हिस्टोरिकल जगह देखी और जो जैसे पहाड़ देखे। ठीक है। और इतने सारे ग्रीनरी देखी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने सारे ग्रीनरी जो है वो पाकिस्तान में हो सकती है। अच्छा, अच्छा। लेकिन जब मैंने इसकी पिक्चर देखी मुझे पता चल गया था कि पहाड़ों में तो ग्रीनरी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है। अच्छा, आप जब लाहौर से आ रहे थे आपने जिक्र किया था कि मिल्की वे की ना एक खास लेयर जो है वो ये हुंजा के ऊपर से गुजरती है, उसके बारे में कुछ बताया? वो कहते हैं एक मिल्की वे गैलेक्सी के एक लेयर, मिल्की वे गैलेक्सी जो है ना ऐसे है, और हमारी जो अर्थ है ना मिल्की वे गैलेक्सी के ना इधर जोट के ऊपर बाहर सोलर सिस्टम है। ठीक है। हम इस तरफ के तारे आप देख सकते हैं, इससे पिछली तरफ के लिए देख सकते। ओके। तो उससे आगे जो एक लेयर भी है वो मिल्की वे गैलेक्सी का एडवांस है। ठीक है। और वो वाली लेयर आप देख सकते हैं, क्योंकि वो वाली लेयर वाली काफी करीब होती है। ओके, थैंक यू वेरी मच अंस, मुझे बड़ा अच्छा लगा आपके साथ। मैंने खुद भी साइंस के हवाले से सितारे, तारे, सियारे, मिल्की वेज, ये सारी बड़ी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो मैंने अंस से ली। अगर आप अंस के पास कोई भी साइंस से जो शगफ रखने वाले लोग हैं, आप 3 से 4 घंटे बड़े ही आराम से इनके साथ गुजार सकेंगे, आपको वक्त का एहसास नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच अंस। थैंक यू।